वजीरिक्स एक्सचेंज पर ट्रेडिंग के लिए आपने अकाउंट बनाया था बट फिलहाल आप यूज नहीं कर रहे हैं, सो आप परमानेंटली अपने अकाउंट को क्लोज करना चाहते हैं। वजीरिक्स एक्सचेंज पर ट्रेडिंग अकाउंट को बंद करने के लिए कुछ आसान से ये स्टेप आपको फॉलो करने हैं। सो सबसे पहला स्टेप है, आपको वजीरिक्स एक्सचेंज की वेबसाइट पर आना होगा। मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा। जैसे हम वजीरिक्स एक्सचेंज की वेबसाइट पे आएंगे, फर्स्ट लुक कुछ ऐसा आपको दिखाई देगा। आपको यहाँ पर ऊपर काफी सारे ऑप्शन मिलेंगे, आपको यहाँ एक्सचेंज वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप एक्सचेंज वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, कुछ इस प्रकार का पेज आपको दिखाई देगा। आपको यहाँ पर राइट साइड ऊपर की साइड आना है। यहाँ पर आपको लास्ट में हेल्प का ऑप्शन मिलेगा, आपको हेल्प के ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद में कुछ इस प्रकार का पेज आपको दिखाई देगा। यहाँ पर ना आपको नीचे एक मैसेज बॉक्स मिलेगा, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। आपको इस मैसेज बॉक्स में काफी सारे ऑप्शन मिलेंगे। अब फिलहाल यहाँ पे हमारे काम का कोई भी ऑप्शन नहीं है, सो मोर ऑप्शन का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद में आपको थोड़ी देर वेट करना होगा। यहाँ पर आपको फर्स्ट में ये ऑप्शन मिल जाएगा, अकाउंट डीएक्टिवेशन एंड अनलॉक अकाउंट। हो सकता है कि ये ऑप्शन ऊपर नीचे हो जाए, तो जस्ट मैं यहाँ क्लिक कर लूंगा। क्लिक करने के बाद में ये प्रोसेस होगा, आपको थोड़ी देर वेट करना है। अब आपको सबसे पहले लिखा हुआ मिल सकता है ईमेल नाम की जगह, सो आपको ईमेल आईडी प्रोवाइड करवाना है। और अगर आपको नाम लिखा हुआ मिलता है, सो जो भी आपका नाम है पूरा, वो नाम आपको यहाँ पर डालना है जो कि वजीरिक्स एक्सचेंज में है। उसके बाद में आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद में वजीरिक्स एक्सचेंज पर जो भी आपका रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है वो आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवाना होगा। ईमेल आईडी डालने के बाद में आप सेंड पे क्लिक करेंगे। सेंड पे क्लिक करने के बाद में प्रोसेस होगा, आपको थोड़ी देर वेट करना होगा। अब आपने फिलहाल जो ईमेल आईडी डाली है जो कि वजीरिक्स एक्सचेंज के साथ में लिंक थी, उस पर आपको ओटीपी भेजा जाएगा। कुछ इस प्रकार से आपको ईमेल मिलेगा, सो जो भी ईमेल में ओटीपी मिला है वो आप कॉपी करेंगे एंड ओटीपी को डालेंगे, उसके बाद में सेंड पे क्लिक करेंगे। उसके बाद में आपको ऑप्शन सेलेक्ट करना है कि आप अपने अकाउंट के साथ में क्या करना चाहते हैं। मान लीजिए कि आपका जो अकाउंट है वो ब्लॉक था, तो अगर आप अनलॉक कराना चाहते हैं सो अनलॉक अकाउंट पे क्लिक करेंगे। बट हमारी कंडीशन में अकाउंट को डीएक्टिवेट करवाना है, सो अकाउंट डीएक्टिवेशन का आपको ऑप्शन मिलेगा, आप यहाँ क्लिक करेंगे। उसके बाद में आपसे कारण पूछा जाएगा कि आप अपने अकाउंट को क्यों बंद करना चाहते हैं। आपको यहाँ पे एक रीजन बॉक्स मिलेगा, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। आपको यहाँ पर काफी सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, सो आपकी कंडीशन में जो भी आपका कारण है अकाउंट को डीएक्टिवेट कराने का वो आप अपने अनुसार सेलेक्ट करेंगे, या फिर नॉट इंटरेस्टेड इन क्रिप्टो वाले ऑप्शन को भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। सेंड पे क्लिक करेंगे। सेंड पे क्लिक करने के बाद में आपको थोड़ी देर वेट करना होगा। अब लास्ट स्टेज बचा है अकाउंट को डीएक्टिवेट करने का। आप अपने अकाउंट को डीएक्टिवेट करें उससे पहले कुछ बेसिक बातें वो आपको पता होनी चाहिए। आपको मेक श्योर करना है कि वजीरिक्स एक्सचेंज के वॉलेट में आपके पास इंडियन रुपीज भी नहीं होने चाहिए और क्रिप्टो भी नहीं होना चाहिए। और डिसेबल अकाउंट में हमेशा जो एक्सचेंज होता है उसके पास में आपका केवाईसी डिटेल, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी एंड जो आपका ट्रांजेक्शन डिटेल है वो सब कुछ रहता है, क्योंकि गवर्नमेंट कभी भी जो एक्सचेंज है उनसे मांग सकती है कि भाई हमें आपके यूजर्स का डेटा चाहिए। आपका जो अकाउंट होगा अगर आप वो डीएक्टिवेट कर देते हो, सो इसका मतलब यही भी नहीं है कि आप अपना केवाईसी डिटेल एंड मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी को यूज करके एक नया अकाउंट बना पाओ, ये संभव नहीं है। एक पैन कार्ड, एक आधार कार्ड से एक बार ही अकाउंट बनाया जा सकता है। अब अगर आप अपने अकाउंट को डीएक्टिवेट करना चाहते हैं सो यस पे क्लिक करेंगे। जैसे आप यस पे क्लिक करेंगे आपको एक और पेज मिलेगा जहां पर लिखा हुआ मिलेगा कि आपका जो अकाउंट होगा वो 30 दिन के अंदर अंदर प्रोसेस कर दिया जाएगा क्लोज के लिए। सो आपको वेट करना होगा, बट इतना समय लगेगा नहीं, मोस्टली पहले ही हो जाएगा। मैंने लगभग 30 मिनट पहले इसी अकाउंट को डीएक्टिवेट करने के लिए रिक्वेस्ट की थी एंड मेरा जो अकाउंट है वो डीएक्टिवेट हो चुका है। मेरे इस अकाउंट में लगभग आप देखेंगे 67 वजीरिक्स पड़े हैं जिसकी 500 रुपए के समथिंग वैल्यू होती है। अब मैं सेल करने की कोशिश करता हूँ कि मेरा जो क्रिप्टो है वो सेल होता है या नहीं। उसके बाद में मैं सेल वजीरिक्स पे क्लिक करूंगा। यहाँ पे मैं एक बार डिटेल्स को कंफर्म करूंगा। आप देख सकते हैं कि मेरा जो ऑर्डर है वो क्रिएट नहीं हो रहा है। चलिए मैं यहाँ पे कम सेल कर लेता हूँ फॉर एग्जांपल, बल्कि 8.18 रुपए में ऑलरेडी खरीदने के लिए बायर अवेलेबल है। मैं सेल पे क्लिक करूंगा, कंफर्म करूंगा, लेकिन मेरा ऑर्डर नहीं लग रहा है क्योंकि मेरा जो अकाउंट है वो डीएक्टिवेट हो चुका है।